जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 10,000 प्लस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी गलती के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिस वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है। आपको इसके ऊपर आने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। जॉब्स ज्ञान सर्च करने पर आपको पहली वेबसाइट जॉब्स ज्ञान डॉट इन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे। फिर आपको गुजरात पुलिस कांस्टेबल इस पोस्ट को ओपन करना है। इस पोस्ट को ओपन करने के बाद आप इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, जैसे कि यह भर्ती आपके 10,000 प्लस पदों पर निकाली है। पुलिस कांस्टेबल आपकी पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है और 18 से 34 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। आप लोग ये फॉर्म 23 अक्टूबर 2021 से लेकर के 9 नवंबर 2021 तक भर पाएंगे। फीस जनरल के लिए 100 है और जो आपकी अन्य कैटेगरी है इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप डिटेल में वैकेंसी डिटेल चेक कर लीजिए और अब आपको नीचे आना है। नीचे आकर के अगर आप इसका नोटिफिकेशन डिटेल में रीड करना चाहते तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड करके रीड कर लीजिए। नहीं तो आपको यहाँ पर श्योर होने के बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर अप्लाई पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट बाय डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्लिक करके फर्स्ट वाला LRB ये सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप कुछ ऐसा इंटरफेस देख पाएंगे। अब आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने के ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और बर्थ डेट। अगर आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके जो कि ojasgujarat.gov.in है अगर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अप्लाई विद OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। बट अगर आप पहली बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, आपने पहले इस वेबसाइट के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको सिंपली यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर इन सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हुए नीचे आना है और आई अग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर टाइटल में आपको मिस्टर मिसी जो भी आप लगाते हो आपको चूज करना है। सरनेम यानी कि जो आपका सरनेम है पहले आपको वो लिखना है और जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहां पर लिखना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो यहां पर आपको अपने पिताजी का फुल नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल कर देना है। मदर नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जेंडर आपका जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और अपने जेंडर को दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको इस तरह से फिल कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इसको फिल करके दिखाता हूँ। फिल करने के बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है यहाँ से आपको चूज करना है। इसको चूज करने के बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं और आप देखोगे कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। एक तरफ है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है अपनी ID के अकॉर्डिंग। स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। फिर इसके बाद आपकी उस स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है और आपकी तालुका यानी कि तहसील कौन सी है वो तहसील आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड आपका क्या हो यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। और इस तरफ आप देखोगे परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है तो आप सेम जानकारी यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है कि मोबाइल नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को डाल करके OTP वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे आप आओगे और आप देखोगे अदर डिटेल, जिसमें कि यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है आपको इसका आंसर यस नो में देना है। अगर आपने किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट लेवल ये सब जानकारी चूज करनी होगी। फिजिकली चैलेंज अगर आप हो तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आता है वीडियो, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो वीडियो सर्टिफिकेट नंबर यानी कि विधवा का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो नंबर देना होगा, सर्टिफिकेट डेट और आपका यहाँ पर जो अन्य जानकारी है वो भी आपको चूज करनी होगी। एक्स सोल्जर आर्मी नेवी एयरफोर्स अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद करंटली वर्किंग एज गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप कर रहे हो काम गुजरात गवर्नमेंट में तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है।
फिर नीचे आते और आप यहाँ पर देखोगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको रीड करनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। इसके बाद हिंदी अगर आपको रीड करनी आती है, राइट करनी आती है और बोलनी आती है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसी प्रकार से गुजराती का जो आपका स्टेटस है वो भी आपको टिक करके बता देना है। फिर नीचे आप यहाँ पर देखोगे आपका फोटो, या आपको बोले कि क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ शुड बी गुड इनफ टू बी आइडेंटिफाइबल एंड एक्सेप्टेबल, यानी कि आपका फोटो अच्छा होना चाहिए। आपको यहाँ पर फोटो का साइज और जो फॉर्मेट है वो भी बताया है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो अपलोड करनी होगी। मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं, तो चलिए मैं यहां से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको नीचे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको बोला कि प्लीज साइन ऑन व्हाइट पेपर एंड डार्क पेन एंड स्कैन इट इन जेपीजी फॉर्मेट, यानी कि आपको यहां पर अपना व्हाइट पेपर के ऊपर साइन करके उसको अपलोड करना है। इसका जो डायमेंशन है वो आपको बताया है और साइज आपका 15 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो चलिए यहां से हम इसको सिलेक्ट करके यहां से ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि आपका सिग्नेचर भी यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर बोला है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो यहां पर ये जानकारी आपकी है, आपको इसको रीड कर लेना है और रीड करने के बाद यहां पर आपको यस करना है और जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करके आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जो नंबर आपने ऊपर फिल किया था उसके ऊपर ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको यहां पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी सेव हो जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी आपकी ईमेल के ऊपर भेज दी गई है, आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है। चेक करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके सामने ये इंटरफेस नहीं आता, अगर ये इंटरफेस आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर LRB ये सेम वे में सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से आपको यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहां पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है और अब आपको यहां पर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो एंटर करना है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ फॉर्म फिल करते समय यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की थी, फिल की थी, वो यहां पर एंटर करनी है और इसके बाद अप्लाई विद OTR यहां पर क्लिक करना है। अप्लाई विद OTR के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों जानकारी अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी यहां पर आ जाएगी। आपको इन जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे आना है और कुछ जानकारी आपको यहां पर अभी भरनी है, जैसे कि यहां पर दिया जा रहा है अदर डिटेल जिसमें की है आपकी आईडी, तो आपने यहां पर जो भी आईडी सिलेक्ट की है उसका नंबर आपको यहां पर भर देना है। फिर यहां पर दोस्तों आपने इनका आंसर तो पहले ही कर दिया था जो आप यहां पर नीचे विकल्प देख पा रहे हो, अब आपको फिर से नीचे आना है और आप यहां पर देखेंगे एजुकेशन डिटेल, तो यहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपसे जो जानकारी मांगी है वो यहां पर दी गई है। तो आपकी HSC यानी कि 12th कॉमर्स के साथ आपने की है, आर्ट्स के साथ की है, या फिर साइंस के साथ की है, या फिर साइंस बी के साथ की है, या फिर आपके पास HSC के बराबर डिप्लोमा है तो आप यहां पर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहां से साइंस ए सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद परसेंटेज, तो आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहां पर एंटर कर देनी है। क्लास आपकी क्या थी, डिस्टिंक्शन फर्स्ट सेकंड पास या फिर नॉट एप्लीकेबल, तो मैं यहां से डिस्टिंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। डिस्टिंक्शन वो आते हैं जिनकी हायर परसेंटेज होती है। इसके बाद यहाँ पर है इंस्टीट्यूट नेम एंड एग्जाम बॉडी, तो बेसिकली आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देना है जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 12th पास की है। स्टेट में आपको उस स्टेट का नाम लिखना है जिस स्टेट से आपने आपकी जो 12th पास की है। फिर है यहाँ पर पासिंग ईयर, तो आपको पासिंग ईयर डाल देना है। नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि कितने साल के अंदर आपने अपनी 12वीं की है, कितने साल का मतलब ये है कि कभी कहीं आप फेल तो नहीं हुए 12th के अंदर। अगर आप फेल हुए हैं, अगर आपको 2 अटैम्प्ट लगे हैं तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही पास कर ली थी तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिखना है। लास्ट ट्रायल सीट नंबर यानी कि अगर आपने 2 बार में 3 बार में 12th पास किया तो आपको जो जिस ईयर के अंदर आपने पास किया उसका रोल नंबर डालना है। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही पास कर ली थी तो उसका रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आर यू NCC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आपके पास है सी सर्टिफिकेट तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। यस करोगे तो आपको NCC सर्टिफिकेट नंबर
नंबर देना है और प्रमाण पत्र सत्ताधिकारी का नाम भी यहाँ पर देना होगा। हैव यू पास्ड डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, क्या आपने इनमें से किसी यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा या डिग्री पास किया है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यस कर रहे हो तो पासिंग ईयर बताना है और कौन सी क्लास आपने ऑब्टेंड की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फिर है एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है और आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए और परसेंटेज भर दीजिए, क्लास आपकी सिलेक्ट कर लीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे दीजिए, स्टेट बतानी है कि कौन से स्टेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी थी और पासिंग ईयर भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसकी जानकारी भी सेम वे में भर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और असाइनमेंट्स को रीड करके यहाँ पर आपको यस करना है और फिर नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको बोला है कि आपको अपना फोटो और सिग्नेचर वेरीफाई कर लेना है और अभी आपका फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर दिया जा रहा है अपलोड, तो आपको फोटो सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहां पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, फिर यहां पर आपको आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर देनी है और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर वेरीफाई कर लीजिए, जब आपको लगे कि दोनों चीज सही है। अगर आप चेंजेस करना चाहते तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अभी भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लगता है कि जानकारी सही है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर अब कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपको यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आपको एंटर कर देनी है, फिर आपको यहां पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, बेसिकली यहां पर आपको आपकी फॉर्म की जानकारी को कंफर्म करने को बोला जा रहा है, इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको पूरी तरीके से श्योर होना है और यहां पर कंफर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट है या फिर सबमिट हो चुका है। अब आपको यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इस फॉर्म को उन कैटेगरी से भर रहे हैं जिन पर कोई फीस नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। अगर आपसे फीस ली जा रही है, आप जनरल से है, तो आपको पे फीस ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देख लीजिए आपके सामने आपका फॉर्म का पीडीएफ आ चुका है, यहां पर आपको इस फॉर्म के अंदर पूरी जानकारी जानने को मिल पा रही है जो कि आपने अभी तक भरी है। तो ये था आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस, यहां पर फीस जमा करने वाले को पे फीस ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहां पर आपकी सिलेक्ट जॉब में टीआरबी जो मैंने एलआरबी हमको ये सिलेक्ट करना है, इसके बाद जो आपका नंबर है वो आपको एंटर करना है, बर्थ डेट आपको यहां पर एंटर करनी है, तो चलिए मैं यहां पर इसको एंटर करके दिखाता हूं। इसके बाद है आपका ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आपको यहां पर अपनी फीस को जमा कर देना है। मेरे सामने यहां पर आगे का इंटरफेस इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैंने फ्री वाली कैटेगरी से इस फॉर्म को भरा है। तो यही था आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।